बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें रिवेंज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अपने पार्टनर से, उसने हमें धोखा दे दिया, उसकी शादी होगी, उसने चीट कर दिया, वो भाग गया। तो इसी के ऊपर वीडियो पावरफुल है, एंड तक देखना। उससे पहले दो लाइनें अर्ज करना चाहूँगा। धोखा मिला है खा लिया, ठोकर लगी है खा ली, अरे उस महफिल में कभी मत जाना मेरे दोस्त, दोबारा मुड़कर कभी मत देखना। रिवेंज रिवेंज रिवेंज, कोई रिवेंज नहीं लेना। उस खुदा की लाठी में देर है बट अंधेर नहीं, एक दिन पिछवाड़े पे ऐसी लाठी पड़ेगी, उसको इतना गंदा रिवेंज मिलेगा, तू कहाँ होगा और वो कहाँ होगी, देख के रोएगी रोएगा, तुझे रिवेंज नहीं लेना। अरे धोखा किस लिए मिलता है? खाने के लिए मिलता है, ताकि हम लाइफ में कुछ कर सके। धोखा खाना भी बड़ा ज़रूरी है, ताकि हमें एहसास हो सके कि मोहब्बत क्या है। खा लिया कोई दिक्कत नहीं, बड़े जोरों शोरों से बता, हाँ मैंने धोखा खाया है, आज मैं धोखा खा के बर्बाद हुआ हूँ, कल मैं आबाद होऊंगा। और अपनी आबाद जिंदगी बनाने के लिए लग जा, दौड़ जा, भाग जा, और दुनिया को इतना दिखा दे तू कि तू क्या था और क्या बन के तूने दिखाया। जो लोग तुझे कहते हैं तू खोटा सिक्का है, खरा खोटा बन के निकल मेरे दोस्त, इस महफिल को छोड़ और तू एक नई महफिल पकड़, उसका नाम है सक्सेस सक्सेस सक्सेस। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें रिवेंज लेना है नहीं लेना, ठीक है? छोड़ने वाला गया, छोड़ने वाली गई, क्यों तुम गधे बन रहे हो अब, क्यों तुम गधिया बन रही हो, हैं? रिवेंज 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 कैसे ले कैसे ले, प्यार में धोखा मिला, उसकी शादी हो गई, वो कहीं और भाग गई, भाग गया जाने दो बावली चड्डी के साथ, हैं? धोती पहन के क्यों तुम एकदम गंगू राम बैठे हो, हैं? तुम भी ले गधे राम बन गए एकदम, बाबूलाल नहीं बनना तुम्हें, हीरो लाल बनना है, हीरोइन लाल नहीं बननी है, समझ गया? नहीं समझे? प्यार में धोखा मिला, रोना पीटना क्यों कर रहे हो? एक साल हो गया, दो साल का रिलेशनशिप था, तीन साल का था, छः महीने का था, दस साल का हो साला, ठीक है? और तुम्हें इतने रिलेशनशिप बनाने ही नहीं थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे ही करते रहोगे क्या? चलो कर लिया, अब तुम्हें धोखा मिल गया, अब तुम्हें रिवेंज लेना है, रिवेंज मत लो। अपने प्यार से कौन रिवेंज लेता है? तुम में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? उनको हजम ही नहीं हुआ तुम्हारा प्यार यार, वो डिजर्व ही नहीं करते थे, उन्हें कभी हद से ज़्यादा प्यार मिला नहीं, तुमने हद से ज़्यादा प्यार दे दिया, उन्हें हजम ही नहीं हुआ, कुत्ते को घी, और इनको सच्चा प्यार कभी हजम ही नहीं हो सकता। ये कहते हैं इरिटेट हो गए, वो हो गए, भाग जाते हैं। यार हमारे मम्मी पापा हमारी इतनी केयर करते हैं, हमें दिन रात पूछते रहते, ये कर लिया क्या, वो कर लिया क्या, पैसे देते हैं, वहाँ जाओ, ये करो, इनका प्यार तो कभी कम नहीं होता। प्यार उन्हीं का कम होता है जो मतलबी होते हैं, जो ट्रू लव करेंगे उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। जैसे तुम्हारा, तुम्हारे अंदर आग लगी पड़ी है रिवेंज लेने की, अरे यार तुमने दो साल बर्बाद, अरे एक साल बर्बाद करा, छह महीने, दस साल, क्या अब कितने साल और बर्बाद करेगा रिवेंज लेने में? दस साल तो उसके आगे अटकी रही, अटका रहा, वापस अटकी रहेगी, अटका रहेगा, दो तीन साल और खराब करेगी, करेगा? इससे अच्छा लाइफ बना, पहले साल खराब कर चुका है, कर चुके, अब दौड़ जा बावली चड्डी के साथ और बावली बकरी के साथ, टुकड़ी टुकड़ी टुकड़ी, और ऐसा दौड़ कि छुक 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 ट्रेन भी ना पकड़ पाए, और रफ्तार ऐसी एरोप्लेन की तरह शू भाग जाए, ताकि दुनिया देखे वो लड़का खोटा था, वो लड़की खोटी थी, क्या बन गई, क्या बन गया। रिवेंज लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? बाबू सोना जादू टोना हो चुका है, अब पढ़ाई की तरफ और अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दो, और इतना भागो दुनिया तुम्हें सलाम करे, ठीक है? रिवेंज कौन लेगा मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे प्यारा पॉइंट यही है आप लोगों के लिए, मैं पहले कर्मा पे दो तीन वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी थोड़ा डिफाइन कर दूंगा। कर्मा रिवेंज लेगा, जो कर्म कर देता है उसका कर्मा लिखा जाता है, भगवान तो एक बार माफ़ कर दे बट कर्मा कभी माफ़ नहीं करेगा, ठीक है? उसने तुम्हें रुला दिया, खून के आंसू रुलाए, तुम तड़प रहे थे, रो रहे थे, अब तुम सोच रहे हो मैं भी रिवेंज लूँ, मेरी लाइफ झंड हुई है। अरे भाई लाइफ झंड हो गई, बर्बाद हो गई, अब बर्बाद करने का टाइम आ चुका है। प्यार करके देखा क्या मिला? कुछ नहीं। अब सक्सेस की तरफ भाग के देखो, बहुत कुछ मिलेगा। अपनों ने ठुकराया है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गैरों ने अपनाया है, सक्सेसफुल लाइफ तुम्हें अपनाएगी, जनता तुम्हें अपनाएगी, भाग मेरे दोस्त, ऐसा भाग, ऐसा भाग, कोई बावड़ा चड्डा या बावड़ी धोती या बावड़ी गर्लफ्रेंड या बावड़ा बॉयफ्रेंड तेरे को पकड़ ना सके। मैं यही कहूँगा, कर्मा बदला लेगा, कर्मा डेफिनेटली, टाइम लगता है, देखो बच्चा है उसे भी बड़ा होने में टाइम लगता है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए, उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है यार, हार्डवर्क हर चीज़ों में चाहिए। तुम सोचते हो उसने हमें धोखा दिया, अभी उसको धोखा मिल जाए, वो रोए, वो तड़पे, वो चीज़ें इतनी
आसानी से नहीं होती यार। आज तुमने देखा होगा आस पड़ोस में कोई हमारे साथ बुरा करता है या करती है, तो डेफिनेटली 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उनकी ऑटोमेटिक डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। तुम सोचते हो ये तो सही था, बहू ख़राब आ जाती है, बच्चे ख़राब निकल जाते, नौकरी नहीं लगते, वो कल तक ऐसा आराम से जी रहे थे, आज चंपक जिंदगी जी रहे। देखो हर चीज़ में टाइम लगता है। अब तुम कहोगे सर इतना कौन वेट करे, तो वेट क्यों करना यार, वो छोड़ के भाग गई, भाग गया बावड़े सांडनी के साथ। अब इनके पिछवाड़े पे डंडा घुसेड़ो, ठीक है, मटका पहनाओ चौराहे पे, डम 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 दौड़ा दो इन्हें। बिल्कुल रोना करना नहीं है, रिवेंज का ख्याल भी अपने माइंड में नहीं आना चाहिए। कर्मा जरूर आएगा और इनको रुला के ऐसा जाएगा, तुम्हारी तो 2 गुना जिंदगी खराब करके गया है, ठीक है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, कर्मा इनकी 10 गुना 20 गुना 50 गुना जिंदगी खराब करके जाएगा। तो डेफिनेटली तुम्हें रिवेंज नहीं लेना चाहिए, वो तुम्हारा एक टाइम तो प्यार था या थी, तुम उसकी कितनी कदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, इसको खरोंच तक ना आए। आज तुम रिवेंज लेने की बात कर रहे हो, अपने प्यार को रुलाओगे, कर्मा बदला लेगा, भगवान बदला लेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ट्रस्ट करो, पॉजिटिव सोचो, सब चीज़ें सही होएगी। तुम्हें किसी के लिए गलत नहीं सोचना, क्यों सोचे यार गलत, यार अपना प्यार था, ठीक है, उसके जहन में नहीं था प्यार करना, उसका मन नहीं था, उनको वो डिजर्व ही नहीं करते हम जैसे लड़कों को लड़कियों को, तो ठीक है नहीं मिला, जाने दो, जा रही है तो जा रहा है तो जाने दो, रिवेंज नहीं लेना अपने प्यार से, ठीक है, बोलो नहीं लेंगे, अच्छा लोगे गर्दन मरोड़ के तोड़ू, अच्छा कर्मा लेगा, वेरी गुड, समझ गया, नहीं समझे, अच्छा नहीं समझे, अच्छा समझ गए पहली बारी में, लव यू टू यार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि बहुत लोगों की हेल्प हो सके। और भाइयों यार इंस्टाग्राम पे दौड़ के आ जाओ, फॉलो कर लेना, भाई को 20K होने वाले हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारी भी हेल्प हो सके, मेरी भी हो सके। तुम मुझे बताना किससे रिलेटेड टॉपिक चाहिए, वीडियो बनाऊंगा ज़बरदस्त, रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा बट उसके बेस पे वीडियो बना के तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। अब मुझे ये बताओ डेली वीडियो डालूँ या दो दो दिन छोड़ के वीडियो डालूँ, मुझे लग रहा है कि डेली डालना सही रहेगा। बहुत सारे कमेंट आते हैं सर डेली डालो डालो डालो, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे आ जाइए, मेरे को टॉपिक बता दियो, मेरे माइंड में भी नहीं आ रहे कौन कौन से टॉपिक बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, तो तुम बताओगे तो उससे रिलेटेड वीडियो डेली बना दिया करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, आ जाओ सबके सब इंस्टाग्राम पे, विजल आउट टिप सर्च करना, डायट मुझसे कनेक्ट हो पाओगे।